नमो नमः स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बीबीएन ऑनलाइन क्लास। बच्चों अपना चल रहा था समुद्र तट है चैप्टर, वो शायद पूरा हो गया। हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला जो उच्चारण कुरुत वाला है वो मैंने आपको करवा दिया था, ये वाला है ना। दूसरा भी थोड़ा बता दिया था, मैंने भेजा भी था आपको पीडीएफ, थोड़ा मैं बता देती हूँ। पढ़ करके आपको करना है, लर्न करना है और अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जनाः काभिः जलविहारं कुर्वन्ति, जनाः काभिः जलविहारं कुर्वन्ति। लोग, जनाः लोग, काभि किसमें, जलविहारं जलविहार कुर्वन्ति करते हैं, किसमें करते हैं लोग। नो काभि, काभि आया तो उत्तर भी हमें उसी से देना है। नव काभि, काभि नव के जोड़ देंगे, नव काभि, ठीक है। पीछे लिखे हुए हैं, आपको मिल जाएंगे, चैप्टर जहाँ पढ़ाया था वहाँ लिखे हुए हैं नव काभि। भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है, कौन सा है। जब मैंने अध्याय पढ़ाया था तब मैंने बताया था कौन सा है, चेन्नई नगरस्य मेरीना तट है, चेन्नई नगरस्य मेरीना तट है। भारतस्य दीर्घतम तट अस्ति, ठीक है। जनाः कुत्र स्वेरं विहरन्ति, लोग कहाँ आपस में मिलकर के सैर करते हैं, घूमते हैं बिना रोक टोक के, बिना स्वेरम, बिना रोक टोक के। वे रोक टोक कहाँ घूमते हैं, जुहू तटे कहाँ घूमते हैं। जनाः पुत्र की जगह जुहू तटे स्वेरम विहरन्ति, विहार या विचरण करते हैं अर्थात घूमते हैं। बालकाः बालुका भी किं रचयन्ति, बच्चे यानी बालक बालिकाएं जो हैं, बालक जो हैं, बालू मिट्टी से क्या रचना करते हैं, तो बालू का गृहम, क्या करते हैं, बालू का गृहम। फिर है कोची तट है कैभ्य ज्ञायते या जायते, कोची का तट है वो किसके लिए जाना जाता है। नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है अंग वाला, कोची तट है कैभ्य ज्ञायते किसके लिए जाना जाता है, नारिकेल फले भी, किसके लिए, नारियल के फलों के लिए, नारिकेल फले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजूषात पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, मंजूषा से शब्दों को चुन करके पदों की रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो कन्याकुमारी तटे प्राणायाम सागराम भवती, कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का क्या है, संगम है, तो संगम भवती। भारत देशे इति कथ्यते प्रायद्वीप कथ्यते, भारत देश को क्या कहते हैं, प्रायद्वीप भी कहते हैं। जनाः समुद्र तटम पर्यटनाय आगच्छन्ति, पर्यटन के लिए आते हैं ना, तो पर्यटनाय आगच्छन्ति। बालेभ्ये क्रीड़ा रोचते, बच्चों को क्या लगती है अच्छी, क्रीड़ा, क्या रुचिकर लगता है, खेलना, तो क्रीड़ा रोचते। भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागर अस्ति, कौन सा है पूर्व दिशा की तरफ कौन सा सागर है, बंगाल की खाड़ी, तो बंगोपसागर है। यथा योग्य योजयत, फोर नंबर है, यथा योग्यम योजयत। समुद्र तट पर्यटनाय, समुद्र तट के लिए किसके लिए आते हैं, पर्यटन के लिए, तो इसके यथा योग्य कौन सा हुआ, पर्यटनाय। क्रीडनकम क्या आएगा, खेलना और खेलना एक ही है, तो क्रीडनकम यानी खिलौने, खिलौने से क्या करते हो, खेलनाय, क्रीडनकम खेलनाय। दुग्धम पोषणाय, दूध पोषण देता है। दीपक प्रकाशाय, विद्या ज्ञानाय, ये आपके यथा योग्य योज्य।
तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत। तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जैसे यथा व्योम है मित्रेण सह गच्छति। व्योम है जो अपने मित्र के साथ जाता है, मित्र ब्रैकेट में दिया हुआ है। जो भी शब्द ब्रैकेट में दिए हुए हैं, कोष्टक में दिए हुए हैं, उनकी तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके लिखना है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग जो भी शब्द है, आपको तृतीय विभक्ति आनी चाहिए। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी ये आनी चाहिए, ठीक है। बालकाः सह पठन्ति, ब्रैकेट में क्या दे रखा है, बालिका, तो बालिका का याद होना चाहिए या लता का याद होना चाहिए, तो तृतीय विभक्ति में क्या आएगा, लतया लताभ्याम लताभि, बालिका बालिकाभ्याम क्या आएगा, बालिका भी, लतया लताभ्याम लता भी, तो बाली का भी, बालका बाली का भी सह पठंती। तड़ाग है विभाति, क्या बहुत सारे कमल खिलते हैं, तो क्या आएगा, कमलई, क्या आएगा, कमलई। तड़ाग है कमलई विभाति, यानी बहुत सारे सरोवर में बहुत सारे कमल खिल रहे हैं, तृतीय विभक्ति का क्या आएगा, कमलई। अहम अपि खेलामि, अहम अपि कंदुकेन खेलामि, मैं भी कंदुकेन से गेंद से खेलूंगा, ठीक है ना, गजेन बालकेन कंदुकेन कमलेन, ठीक है, तो अहम अपि कंदुकेन खेलामि। और इसमें कमलई ही क्यों आया, विभक्ति तो तृतीया आई लेकिन तृतीया का बहुवचन आया ना, बालकई नरई कमलई, क्यों आया, क्योंकि बहुत सारे कमल खिल रहे हैं। अश्वाहा सह धावंती, अश्वाहा घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो अश्वाहा अश्वई अश्वही सह धावंती, अश्वई फिर विसर्ग, अश्वा अश्वई सह धावंती, समझ में आया। फिर मृगहा मृग ही सह चरंती, मृग जो है मृगों के साथ चल रहे हैं, तो मृगहा मृग ही सह चरंती, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित वृत्त चित्रम पश्यत उदाहरणानुसार कोष्टक गतई शब्दई उचित वाक्यानि रचयत। ये देखो आपका एक एक्टिविटी का भी आपका एक वृत्त दे रखा है, इसको देखिए, पश्यत यानी देखना, ठीक है, इसको आप देखिए, इसको देख करके आपको, जैसे रहीम है, रहीम बीचों बीच दे रखा है, ठीक है, तो बीचों बीच रहीम से आपको सारे वाक्य बनाने, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर पाँच नंबर छः नंबर सात नंबर आठ नंबर ऐसे आपको दे रखा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बस तृतीय विभक्ति का आपको प्रयोग लाना है ज़्यादा, जो इसमें उचित वाक्य बनता है वो आपको बनाना, जैसे रहीम एक नंबर पे चले जाओ, तीनों शब्दों को देख लो, रहीम मित्र सह क्रीडति, तो मित्रेण मित्रेण सह क्रीडति क्या आ जाएगा, रहीम है मित्रेण सह क्रीडति, रहीम है द्विचक्रिकया आपणम गच्छति, किससे जाता है, द्विचक्रिका से जाता है, तो ठीक है, तो क्या आएगा, रहीम है द्विचक्रिकया आपणम गच्छति, रहीम कलमेन पत्रम लिखति, रहीम हस्तेन हस्तेन क्या आएगा, हस्तेन कंदुकम क्षिपति, हाथ से कंदुक को फेंकता है, गेंद को फेंकता है, तो हस्तेन कंदुकम क्षिपति, रहीम क्या आएगा, नौकाया नौका से विहार करता है, तो नौकाया जल विहारम करोति, रहीम चषकः जलम पीबति, रहीम चषकः जलम चषकेन जलम पीबति, रहीम तूलिकायाः चित्रम रचयति, फिर रहीम वायुयानेन हय आगच्छत, वायुयान से कल जाएगा, मैं सबको आपको इसको पेंसिल से कर देती हूँ, एक नंबर का देखो ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे ऐसे रहीम से ही सारे बनने हैं इस प्रकार से ये बन जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट ये देखो, इनमें आपको एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर ये आठ नंबर तक आपको भरना है, ठीक है, ये करना है।
ये आपको पुस्तक में ही कर लेने हैं, ठीक है ना। जो पहला क्वेश्चन है और जो उच्चारण कुरुत है और जो चौथा क्वेश्चन है वो आपको उत्तर पुस्तिका में ही करना है और बाकी के बुक में ही करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन, कोष्ठ का उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानी पूर्य, कोष्ठक से उचित प्रयोग करके रिक्त स्थान कीजिए। जैसे धनिक है धनम ददाति, जो धनवान व्यक्ति है जो सेठ जी है वो किसको देते हैं, निर्धनों के लिए धन देते हैं, तो क्या आएगा, निर्धनाय धनम ददाति। उचित पद प्रयोग करना हमें तो क्या आएगा, निर्धनम नहीं, निर्धन को धन देते हैं क्योंकि वो धन दे के वापस नहीं लेते हैं, इसलिए इसमें निर्धनाय आएगा, ठीक है ना, निर्धन के लिए धन देते हैं। बाल है किसके लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए, पढ़ने से नहीं जाते, पढ़ने के लिए जाते हैं, तो पठनाय, बाल है पठनाय विद्यालयम गच्छति, सज्जनः परोपकाराय जीवन्ति, प्रधानाचार्य किसको देते हैं, छात्रों को, तो छात्रेभ्यः पारितोषिकं यच्छति। और फिर शिक्षकाय नमः, तो ये मैं लगा देती हूँ आपको, पहले में निर्धनाय, दूसरे में पठनाय, तीसरे में परोपकाराय, चौथे में छात्रेभ्यः, इसमें शिक्षकाय, ये है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सारा, ये आपका है। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है आपका चैप्टर, बकस्य प्रतिकार है, सप्तम पाठ है, कौन सा है, सप्तम पाठ है, बकस्य प्रतिकार है, अव्यय प्रयोग उसमें ज़्यादा होंगे, तो मैंने अव्यय का आपको वीडियो पहले भेज दिया गया है, अव्यय शब्द आपको याद करने हैं, ठीक है ना, इसलिए मैंने अव्यय का आपको वीडियो भेजा है कि वो अव्यय शब्द आपको नोटबुक में लिखना है, उत्तर पुस्तिका में और याद करने हैं, वो एग्ज़ाम में आएंगे और नेक्स्ट चैप्टर में भी आपके आएंगे, ठीक है। तो ये आपका हुआ सिक्स क्वेश्चन, जो सिक्स जो है उसके प्रश्नोत्तर भी आपके पूरे होते हैं और आपका जो पाठ है वो भी पूरा होता है, ठीक है। ये आपको एक एक्टिविटी के दरमियान भी हम करवा सकते हैं, रचनात्मक कार्य के अंतर्गत भी हम करवा सकते हैं, ठीक है। फिर आपके नेक्स्ट में करवाऊंगी जो आपकी कहानियाँ जो प्रश्नोत्तर में बची हुई थी वो कैसे पूरी करते हैं, अधूरी कहानियों को, वो आपको बताऊंगी, ठीक है बच्चों। तब तक आप ये पढ़िए, ओके बाय।